गाइस देख सकते हैं नन्नू का मुंह उतावला हो रहा बैठने के लिए। नन्नू ज्यादा महसूस हो रहा है, मजा लग रहा है क्या नन्नू? भूख लग रही, प्यास में बता पहले, हटा इसे हटा बता तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस व्लॉग। इस समय 3:30 बज चुके हैं और आज है जुमा, पहला रोजा, पहली सहरी। आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। तो सहरी करते हैं और इबादत तो कर ली अपनी। खैर चलते हैं बाहर की तरफ, ढोल पोल पूरे बज रहे थे बाहर उसको जगाने के लिए, और मस्जिद में तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसमेंट हो ही रहा है। देखते हैं सहरी में क्या चल रहा है। ओ भैया ये बन गया सहरी है छोटा सा। गाइस हमारा तो लग चुका है खाना, हम तो खा रहे हैं अपने सहरी। नन्नू तू ना कर रहा क्यों? ये है ऐस बन रहे हैं छोटे से रोजदार। अरे आज अभी खाना खा ले, आजा आजा आजा। लो जी खाना रेडी है अपना। अब इसे मुरझाना शुरू हो गया नन्नू, तो तोड़ देना नन्नू रोजा। अरे छोटा भी छोटा ही तो है, अगले साल से रख लिए क्यों रोजे रखेगा। ऐश नन्नू गुनगुनी सो गई क्या इधर? जा तो भैया लगभग 2:30-3 बजे से जगा हुआ हूँ, अब हिम्मत से बाहर है, अब कुछ नहीं कर सकता, अब तो नींद आ रही है बेतुकी। इस टाइम हो रहा होगा लगभग 5:30 के करीब का, अब तो सोना ही है, मिलते हैं बाद में। जनाब मैं सो का उठ चुका हूँ 9 बजे, लेकिन इस समय बज रहे हैं 9:45 और मौसम देखे क्या गजब का हो रहा है रोज़दारों के लिए। अल्लाह ना के रहमत बरसाई है, ठंडा ठंडा मौसम है एकदम मस्त। जो छोटे छोटे रोज़दार आए ना फील्ड में इस बार, उनके लिए बढ़िया है। ऐ देखे धूप तो कहीं है ही ना, हवा भी चल रही है बच्चों के बीच। अब मैं तो सोच रहा नन्नू ने रखेगा ना, केवल झूठी बोल रहा है, वैसी वैसी कर रहा सहरी हमारे साथ, तो सच में रख लिया उसने तो। तेरा नीचे हमने मौसम ठंडे होने की बात करी ही थी, ये देखिए हो गई बारिश, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चल रही है। ये हो चुकी ना सारी की सारी सड़क के लिए, बूंदाबांदी हो रही है, शायद नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा बूंद। इस बार मस्त कटेंगे लोगों के रोजे एकदम। जनाब जुमे की नमाज की तैयारी करते हैं, मिलते हैं जुमे की नमाज के लिए तैयार होकर के। पहले ऐस की बारी, ऐस तैयार हो रहा है फिर। सो गाइस इस समय 12:15 बज चुके हैं और मैं नहा धोकर हो चुका हूँ रेडी जुमे की नमाज के लिए। उम्मीद है आप सब भी रेडी हो चुके होंगे, नहीं होंगे तो हो जाना। देखते हैं नन्नू की तबीयत कैसी है। अभी से भूख लग गया भैया। ये रहा नन्नू मुरझाया हुआ है। और पूरा आज अभी आजा आजा चल। रोजा लग रहा है क्या नन्नू? भूख लग रही, प्यास में बता पहले, हटा इसे हटा बता तो सही, भूख है प्यास है क्या लग रहा है बता तो सही? भूख लग रही है या प्यास लग रही है? प्यास लग रही है, अभी तो टाइम है। सो फाइनली गाइस नमाज पढ़कर आ चुके हैं, देखते हैं नन्नू का हाल, नन्नू का क्या हाल हो रहा है। जब तो सो रहा था, सो गया था मतलब लगभग, ऊपर चलते हैं। सो गाइस ये है हमारे घर का इस टाइम सबसे छोटा रोजदार। तो हालत कैसी हो रही है नन्नू? बढ़िया। बढ़िया हो रही है, तो नमाज क्यों क्यों ना गया था पढ़ने हमारे साथ? दर्द हो रहा था, बंद हो गया तो फिर मैंने यहीं पढ़ ली। अच्छा बंद हो गया पेट का दर्द। भूख तो लग रही है, भूख लग रही है प्यास लग रही है? कुछ भी नहीं। अब ना लग रही कुछ भी, झूठ बोल रहा तू? अल्लाह की कसम। चलो बढ़िया है, मिलते हैं कुछ वक्त बाद। सो जा मैं इतना थोड़ी थोड़ी सी देर है ना, सो कोशिश कर ना, मैं ना सो रहा, खैर तू सो जा। नहीं मैं भी नहीं सो रहा। मत सो तो। सुबह जिस समय 3:40 हो चुके और मैं सो का उठ चुका हूँ फाइनली, कम से कम 1.5 घंटे की नींद। नन्नू ना परेशान कर रखा था, तो करते हैं इफ्तार की तैयारी, कुछ लेकर आते हैं, चलते हैं मार्केट।
सो गाइस बाइक तो है ना, चलते हैं अपनी एल्ट्रोस से ही, इसी से चलना होगा यार। गाइस नुकसान कर दिया बालकों ने गाड़ी पे, ये देखिए ये सारे पे स्क्रैच स्क्रैच मार गए नलायक। सो गाइस आ चुके हैं पनीर लेने। तो दोस्तों पनीर तो ले लिया, अब लेते हैं फ्रूट्स वगैरह। क्यों नन्नू? सो गाइस फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं, नन्नू खुश हो चुका है, इसके आ गए हैं फ्रूट्स, ये देखिए ये रे, फ्रूट्स लेके चलते हैं घर की तरफ। अब कुछ नहीं लेना, अब लेंगे शाम के टाइम 6 बजे इमरती। सो फाइनली पहुंच चुके हैं घर पर। क्या हुआ मम्मी? ये बंदा है जी इफ्तार के लिए। भाई असर की नमाज का टाइम हो चुका है, चलते असर की नमाज पढ़ना है, थोड़ा सा लेट हो गया हालांकि है अभी टाइम 6 मिनट, ये लास्ट है, इसके बाद होएगी फिर इफ्तार यानी मगरिब की अजान। सो गाइस फाइनली नमाज पढ़कर आ चुके हैं, टाइम हो चुका है 5:33, रह गया लगभग 1 घंटा। सो गाइस 6:45 हैं और नन्नू को रोजा लग रहा है बहुत तेज, इसको पहले तो पेट में दर्द हो गया था, अब तबीयत अच्छी मेरे नन्नू की खराब होती जा रही है, पहला रोजा है। हाँ जी बताओ। रोजा खुलेगा अभी 6:35 पे, अभी लगभग हैं 50 मिनट, थोड़ा वेट और करना पड़ेगा 50 मिनट का। तो भैया नन्नू को रोजा लग रहा है यार, और देखो तबीयत भी खराब हो रही है। खैर हिम्मत करनी है, और तुझे 50 मिनट की हिम्मत, कितने मिनट की? 50 मिनट की हिम्मत करनी है नन्नू को यार, रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है। खैर शिद्दत भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, कन्वेंस कर रहा है छोरा, कम उम्र में रोजा रखा है ना, पहला रोजा है मेरे नन्नू का। चलो जी 50 मिनट और करते हैं कन्वेंस, ठीक है ना। सो गाइज दस्तरखान की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हो आप, माफ़ी चाहूँगा मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन बस क्या करें, व्लॉगिंग है तो व्लॉगिंग में तो सब कुछ दिखाना पड़ता है। देख सकते हैं नन्नू का मुँह उतावला हो रहा है बैठने के लिए। नन्नू ज़्यादा महसूस हो रहा है, हो गया भाई अब गए तो बन्ना पहलवान ये। चलो कोई ना, रोजदार हूँ, रोजदार है ना। सो गाइस 6 बज चुके, मैं तो चलता हूँ इमरती लेने, क्योंकि 6 बजे का टाइम था, चलते हैं बाद में आते, मिलते हैं आपको। सायरन बज गया नन्नू, चल। गाइस अजान लग रही है, चलते मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने। ये जितने भी जा रहे हैं सब नमाज के लिए जा रहे हैं। सो गाइस नमाज के बाद आ चुके हैं वापस अपने घर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तरावी वगैरह कुछ नहीं दिखाने, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं इंशाल्लाह, बाकी कंटिन्यू सारे रोजे रहेंगे जैसा लास्ट टाइम से हम रखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे यानी सुबह सहरी से, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़। और हाँ दुआ में याद रखना हमें भी।